गाइस कैसे आप लोग। तो आज के इस वीकली कोर्स में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की चौथी और एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कोरोना ने दुनिया की बिल्कुल मार के रख दी है और दुनिया ने भी अपनी पेश कर दी है। तो इसी वजह से कोरोना ने सिर्फ अमीर और बड़े बड़े जो मुल्क हैं जहाँ पर ये अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको उनकी ले लिया है और बहुत। अच्छा, पाकिस्तान की जो इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज रेट है वो एशिया की नंबर वन है। मैं जानूँ एशिया की नंबर वन हम कैसे हो सकते हैं। एशिया में चाइना है, जापान है, फिर वहाँ से रशिया है, फिर पता चला कि आहो कोरोना तो इनकी मार दिया है, कोरोना तो इनको तबाह करके रख दिया है बिल्कुल ही। मतलब वो सामने आए और कोरोना ने बिल्कुल आराम से अपना काम कर लिया। फिर इस वाले से फिर पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छे इकदाम किए, तो इस वजह से दुनिया में भी पाकिस्तान का चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है। तो ये काफी अच्छा साइन है पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी इस टाइम 7% नीचे गिर चुकी है, शरण कर चुकी है। और जो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये पहले अमेरिका, हिंदुस्तान और बरतानिया के साथ भी हुआ। बरतानिया भी 11 साल में पहली दफ़ा रिसेशन पर चला गया, अमेरिका होकर गया, इंडिया रिसेशन के दलदल के अंदर घुस चुका है। तो मेरी बात समझ नहीं आती ये जितने भी G20 के अंदर ममालिक हैं ये क्यों रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है, शक है कि हमारी दुआ अल्लाह ने सुन लिया और ये जैसे ही वायरस पेंडेमिक ख़त्म होगा दुनिया बिल्कुल सिंपल आ जाएगी। मतलब दुनिया वैसे ही अपनी स्टेज पर आ जाएगी और माफिया मांग के कोरोना से वापस अपने स्टेज पर आ जाएगी कि बस यार तूने बहुत हमें मार लिया, बस हम सबर। जब वो उस स्टेज पे आ जाएंगे वापस, मुझे लग रहा है G20 दोबारा बनेंगे और उसमें G20 में जो पुराने ममालिक हैं उसमें से काफ़ी नए नाम आएंगे। अच्छा, कोरोना वायरस पे बात की है तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इस टाइम इंडिया ने जब मुझे एक मैंने न्यूज़ देखी कि एक दिन था जब इंडिया में गैप आ गया, मतलब इतने केसेस नहीं बढ़े, उसके बाद यकदम मुझे लगता है कि भारतीय लोग ना काफ़ी खुश हो गए, उन्होंने कहा लो जी कोरोना आता है हम बाहर निकल गए। तो वो जब ज़्यादा बाहर निकले तो ज़्यादा केसेस निकल आए और वो ज़्यादा परेशान हो गए और एक दिन के गैप से 95,000 केसेस और 1200 अमवात। और ये 1200 अमवात एक दिन में इस टाइम सबसे ज़्यादा है। ब्राज़ील से भी लगभग पीक गुजर चुकी है, अमेरिका से भी लगभग गुजर चुकी है, लेकिन कुछ ममालिकों में अभी तक पीक है। तो अल्लाह बचाए हमें इस चीज़ से। विजन से याद आया कि चाइना ने तो टेक्नोलॉजी में हर किसी को पीछे कर दिया है। वो मूल चाइना पहला बन चुका है जिसने 5G एंड 8K टेक्नोलॉजी, मतलब 8K विजन और 5G टेक्नोलॉजी। 5G तो अभी तक सिर्फ जोंग की एक ऐड में मैंने पाकिस्तान में देखा था, लेकिन 8K अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, हम 4K तक ही पहुँचे अभी तक, 4K 2K था। चाइना से ये है कि एक खबर नशर हुई थी कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पत्थर और ठुड्डे मारे। ओ भाई ठुड्डे कौन मार, ठुड्डे तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें तो उसको ठुड्डे मारते हैं। मतलब इंडियन आर्मी की ये हैसियत रह गई है कि ठुड्डे खा रहे हैं। भाई आप लोग भारतीय आर्मी हो, भारत को सर्व कर रहे हो, भारत को छोटा मुल्क नहीं है, G20 में आते हैं, बड़ी इकोनॉमी हो, बड़ा आप पे पैसा खर्च, तो कम से कम ठुड्डे ना खाओ। चाइनीज एम्बेसडर अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू है तो अब उनको सफारत खाने से निकाला, उनकी जो जॉब है उनका जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने एंड पे ऐसी बातें कर दी हैं कि पाकिस्तानी भाई ये तो होगा भाई ऐसा तो होगा, क्योंकि जब वो ख़त्म हो रहे हैं उनकी जॉब का टाइम ख़त्म हो रहा है, नए एम्बेसडर ने चाइनीज ने इधर यहाँ पर, तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ पाकिस्तान से कोई प्यार बड़ी बातें कर लूँ कि वो दोबारा हमें मुझे वो वापस रख लें। भाई ये तो सारा जॉब कह रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात ये किया कि पाकिस्तान इस पर सेकेंड होमलैंड। देखिए जिस मुल्क को हम ज़्यादा प्यार देते हैं ना वो यही कहता है, सेम एज तुर्की का है। तुर्की के भी जब ये अर्तुरुल वाले जो है ड्रामा अर्तुरुल सीज़न जब ये सीरियल नया नया आया था तो वो जब पासन ने हिट बहुत कर दिया था, 2-3 फटाफट मिलियन सब्सक्राइबर करवा दिए थे, तुम लोग मेरे तो नहीं करा रहे ना, उनके करा देने, शर्म करो थोड़ी। तो वो प्रेशर में आ गए, वो इतना खुश हो गया भाई पासन मार सेकंड होमलैंड है, ये तो मेरा अपना, मैंने ये लाहौर DHA में मैंने अपना घर बुक किया हुआ है। और ये एक बात की समझ नहीं आती, आपने एक बार शायद नोटिस ना की हो कि पाकिस्तान ने अपनी सच्ची दोस्ती, पक्की दोस्ती जिनसे बनाई है वो दो लाल झंडों से बनाई है, तुर्की और चीन। मतलब दो लाल झंडों से पाकिस्तान ने दोस्ती किया, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है, दया को बुलाना पड़ेगा और CID को कॉल करना पड़ेगा। रिसेंटली अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर इमी आया, तो इमी मेरा प्राइम मिनिस्टर इमी ने कहा कि इस साल गैस का प्रेशर बहुत बहुत हल्का होगा, अगले साल उससे भी हल्का होगा। भाई मेरे इतने मुश्किल हालात खराब है हमारे, तुम आके बस ये कह रहे हो, मी साहब आप आके कह रहे हैं कि गैस का प्रेशर हल्का हो रहा है, अगले साल और हल्का होगा, लो जी मैं जा रहा हूँ। ओ भाई मेरे थोड़े तहजीब से, तमद्दुन से कुछ इस तरह की बात करके कहो कि जिससे कोई, आपने बस कह दिया बाकी आवाम परेशान हो गए, लो जी।
और एक बात की मुझे समझ नहीं आती, गैस का प्रेशर हल्का कैसे हो सकता है। हमने आज पाकिस्तान की जो मिडल तबका है, जो नीचे निचला तबका है और जो मिडल तबका है, ये तो कभी हीटर ही नहीं यूज करते। अच्छा जी, फिर से जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी साहब हैं, मुझे इस बंदे की आज तक मुझे साइकी समझ नहीं आई, ये करना क्या चाहता है। अगर ये खुदा ना खासा दोबारा अमेरिका का सदर बन गया, ये तो अमेरिका का बम रगड़ बना देगा, ये तो अमेरिका को बम से खुद ही उड़वा देगा, रगड़ के रख देगा। ये जनाब ने एक ट्वीट पेश किया जी, एक बात पेश की है जी, वो ये है कि हम चीन से ट्रेड नहीं करना चाहते बिफोर 2020 इलेक्शंस। ओ भाई मेरे, चीन इस टाइम दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, वो उस टाइम गाम जाना उस रास्ते पे, उसने बस एक चाबी को मारे दरवाज़ा खोला और वो सुपर पावर बन जाएगा। आप लोग तो वैसे ही मार गए हो, कोरोना, एक कोरोना ने आपको मार के रख दिया है। और पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं आ रही अमेरिका करना क्या चाहते हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि हम लोग चाइना से ट्रेड नहीं करो, किससे करोगे आप हमसे, हम तो आगे मरे हुए हैं, किससे करोगे, इंग्लैंड से, उसकी हालत ख़राब है, ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब है, फ्रांस की हालत ख़राब है, इंडिया की आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। तो इस टाइम एक पाकिस्तान और दूसरा चीन ही बचता है जिसकी ट्रेड से आप, जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जी इमरान राज साहब ने कह दिया कि छुट्टियां ख़त्म, 15 सितंबर को स्कूल आओ। भाई उन्होंने कह दिया कि अब तुम लोग को 6 महीने से तुम लोग घर पे बैठे और तुम लोग कुछ कर तो नहीं, और कंप्यूटर पे बैठ के अपना जहन ही ख़राब कर दिया, या जी भी चीज़ें देखते रहते हो या बिल्कुल ही सोते रहते हो। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि स्कूल आओ, पढ़ो, लिखो, जाओ। लेकिन इस टाइम स्कूल का सिस्टम थोड़ा चेंज होगा, या तो एक दिन आना जाना होगा या शिफ्टें लगनी है, लेकिन कोर्स लास्ट वन कम होना है। अच्छा जी, PMCO फाइनली फिनिश्ड हो चुका है। मैं तो नहीं देखता ये, मैं तो आज तक कभी समझ नहीं आई क्यों कर रहे हो, कर लो अच्छी बात है, रोज़गार मिल रहा है, आगे नहीं है रोज़गार तो पबजी से ही रोज़गार मिल। देखिए अब पबजी पाकिस्तान आ चुका है, वकार जका साहब यूट्यूब पाकिस्तान भी लेके आओ, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, हम आपके साथ हैं, मैं हम पूरी कौम आपकी शाना शाना खड़ी होगी। आपकी मेहनत की वजह से पबजी पाकिस्तान आ चुका है, चैनल भी खुल गया यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी हो गया, यूट्यूब पाकिस्तान कर लें, करेंगे हम। खैर PMCO खत्म हो गया, PMCO ख़त्म हो चुका है। ये क्वालिफाइड की लिस्ट है जिसमें टीम स्काइट्स के 149 पॉइंट्स हैं, 247 गेमिंग के 148 और टीम बाबलू के 147, या एक एक पॉइंट का गैप है, ये भी क्यों दिया उनको, वन पे कर दो जी, वह एक एक पॉइंट से आप हरा रहे हो। ये तो बोर्ड के नंबर होते हैं ना कि 1100 में से 1099, 1098, 1098, 1098, 1197, लो जी टॉप थ्री, और टॉप थ्री में भी 1000 बच्चे बैठा होता है जी भाई, एक नंबर से कटा होता है, ये भी ना काटे, ये 1100 में से 1100 नंबर पूरे दे दो जी, यही सिस्टम है, मतलब एक एक पॉइंट का गैप है। अच्छी बात है पबजी पाकिस्तान में आ चुका है, जुलाई में काफ़ी शोशा खड़ा हुआ हुआ था इसका, अच्छी बात है आया है। देखिए इसका भी बड़ा फ़ायदा है कि बैन हुआ तो पबजी पाकिस्तान में आ गया, अब यूट्यूब भी बैन कर दो, दो दिन के लिए और यूट्यूब भी आ जाएगा, ऐसा ना करना प्लीज़। खैर बहुत अच्छी चीज़ है कि पबजी आ गया पाकिस्तान में। और अगर आपको मेरी ये वीकली को पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई एक मिनट, हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ आ रही, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा। 560 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, आगे मिस्टर जे प्लस खड़े हैं 575 वीडियोस से, वो हम इंशाल्लाह 5 दिनों में उसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि अगले हफ्ते तक हम मिस्टर जे प्लस को भी पीछे करके हम 8वें स्पॉट पे आ जाएंगे पाकिस्तान के टॉप 10 मोस्ट अमाउंट ऑफ वीडियोस पे, हम टॉप 8 पे आने वाले हैं। और मैंने ये सोचा है कि जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कर लो ताकि मैं फिर Q&A का ऐलान करूँ, ताकि फिर आपके घिसे पिटे अजीब अजीब वाले वाले ऐसा बुधू वाले अजीब से और खट्टे मीठे सवाल आएँ ताकि मैं उनका आंसर दूँ 500 सब्सक्राइबर्स पर। अभी आप खुद देख लो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।